सतनाम सतगुरु तेरे आसरा तीस इंसा ब्लॉक निगदो जिला करनाल हरियाणा से। मैं इन्वर्टर कलर टीवी का मैकेनिक हूँ और जो आज सफाई अभियान में आया हूँ ये अपने पावन जो ये पावन प्रेरणा में मिली है संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिंसा से मिली है। उन्होंने हमें प्रेरणा दी है कि हमने अपने देश को स्वच्छ बनाना है ताकि जितना हम देश को स्वच्छ बनाएंगे हमारे देश से गंदगी दूर होगी, बीमारियां दूर होंगी, डेंगू जैसी बीमारियां फैली हुई हैं। हमारे गुरु जी ने हमें इतनी प्रेरणा दी है कि अपने देश के अंदर संसार के अंदर इतने काम चला दिए मानवता भलाई के, जैसे ब्लड डोनेट करना, आंखें दान करना, गुर्दे दान करना, वैश्याओं की शादी कराना, इतने अच्छे अच्छे काम चला दिए हैं, गरीबों का भला करना, सफाई अभियान के जरिए लोगों को जागरूक करना ताकि जागरूक होने के बाद समाज स्वच्छ बने, समाज से भ्रष्टाचार खत्म हो, बेईमानी खत्म हो, देश में लोग अच्छी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े और अच्छा उनका विकास हो। मैं प्रीतनगर गली नंबर 7 से कल्याण नगर से आया हूँ। मैं एक किराने की शॉप करता हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं यहाँ पूजा कुमार जी के प्रेरणा के अनुसार सफाई अभियान पे आया हूँ। मेरे को कोई भी गंद नहीं लग रही है और जितना हम सफाई अभियान पे आते रहते हैं उससे ज़्यादा हमें खुशी मिलती रहती है, हमें इस पर गंद नहीं आती और हम बहुत खुश होते हैं ये सफाई करके। तो आपको गिन नहीं आ रही है आप इतने गटर के अंदर घुसे हुए जहाँ पे लोगों के पता नहीं क्या क्या ऐसी गिन नहीं आ रही है और कुछ भी नहीं है हमारे पैरों के अंदर कुछ नहीं लगा। तो आपको ये आपको रहमत है कि सतगुरु जी हमें बहुत खुश देते हैं सफाई के नाते। धन धन सतगुरु तेरे आसरा आशीष इंसा ब्लॉक निगदो जिला करनाल हरियाणा से। मैं फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर अपने पूज्य गुरु संत गुरमीत राम प्रेम सिंह जी इंसा की प्रेरणा से यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आने से हमारे पता नहीं कितने भयानक रोग खत्म होते हैं। यहाँ पर हर रोज यहाँ पर हर सफाई अभियान में लाखों की तादाद में संगत आते हैं और हर संगत के पता नहीं कितने भयानक रोग दूर होते हैं और यहाँ पर राम यहाँ पर गंदगी में सफाई करें इसकी बदबू का तो नाम निशान है, बल्कि हमें यहाँ पर कभी गुलाब की खुशबू आती है तो आज हमें यहाँ पर ड्यू की स्मेल आ रही है और कभी कभी हमें अच्छे से परफ्यूम की खुशबू आ जाती है यहाँ पर, तो हमें बदबू का स्वाद भी पैदा होता है। तो घर जैसे ही घर जाते हैं तो इतनी ज़्यादा खुशी आती है कि कहने सुनने से परे। ये गंदगी कितनी बीमारी फैलती है, डेंगू सबसे भयानक बीमारी गंदगी से फैलती है। तो बहुत सी भयानक बीमारियाँ हैं जो कि हमारे पिताजी ने कहा है कि हमने सिर्फ अपने लिए कौन सा सोचता है, समाज के लिए कोई सोचे तो फिर बात बनती है। तो हमने पूरे समाज को स्वच्छ बनाना है, पूरे समाज को इन बीमारियों से भयानक बीमारी से दूर करना है ताकि हम और हम यहाँ पर क्यों आए हैं अपने पिताजी की मुहिम के द्वारा अपने पिताजी की प्रेरणा से प्रेरित होकर यहाँ पर आए हैं लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए ताकि वो भी अपने आसपास की सफाई रखे और समाज को स्वच्छ बनाए, स्वच्छ समाज का निर्माण करे और समाज को रोगों से मुक्त करे।